गत एक वर्ष में डिजिटल ट्रांजैक्शंस में, मोबाइल ट्रांजैक्शंस को अगर आप देखें तो उसकी वॉल्यूम 218% बढ़ी है। अगर आप डेबिट कार्ड की ट्रांजैक्शंस को देखें तो इंडस्ट्री के आंकड़े हैं कि उसकी वॉल्यूम 103% बढ़ी है। आज ये भी कहना सत्य होगा कि बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने संविधान की रचना में जो सपना देखा कि विशेषतः गरीब से गरीब इंसान और जो मध्यम वर्गीय इंसान है उसको समानता अधिकार मिले, आर्थिक उसका संबल बढ़े, वो समृद्ध हो, उन्हीं भीमराव अम्बेडकर जी को समर्पित भारत सरकार ने भीम ऐप की भी स्थापना की हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार। आज अगर हम यूपीआई की बात करें तो हम सबके लिए गर्व का विषय है कि 57 बैंक्स नाउ अक्रॉस द कंट्री हैव गॉन लाइव ऑन द यूपीआई प्लेटफॉर्म। ये भी कहना उचित होगा कि डिजिटल ट्रांजैक्शंस में जनता का कितना रुझान है वो इस एक आंकड़े से साफ दिखता है कि यूपीआई की जो ट्रांजैक्शन है वो अप्रैल के माह में 3.8 मिलियन थी और अक्टूबर के माह में 77 मिलियन तक पहुंची हैं भीम ऐप और एक और कंपनी के योगदान से। ये शार्प इंक्रीज इन द वॉल्यूम इन इटसेल्फ इज इंडिकेटिव कि कैसे हमारे सिटीजन्स ने और ट्रेडिंग कम्युनिटी ने प्रोएक्टिवली एम्ब्रेस किया है डिजिटल ट्रांजैक्शंस को।